पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान भी आ चुका है, समान नागरिक संहिता को लेकर ये बड़ा बयान। समान नागरिक आचार संहिता को शिवपाल का समर्थन, समान नागरिक आचार संहिता लागू हो, यह उनके द्वारा कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर यह बयान उनके द्वारा दिया गया है। तो समान नागरिक आचार संहिता को शिवपाल ने समर्थन उसको दे दिया है और समान नागरिक आचार संहिता लागू हो उनके द्वारा कहा गया। सुनिए अभी। तो आज हम लोग अम्बेडकर के संविधान सभा में आवाज उठाई, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े कुछ भी करना पड़े हम समय जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। विशाल जी मीडिया रिपोर्ट है, तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए विशाल। एक अलग ही अंदाज में शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए, समर्थन दे दिया उन्होंने। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर शिवपाल यादव के अगर आप बयानों को देखिए तो सीधे तौर पर बीजेपी की जो विचारधारा वाले बयान है वही शिवपाल यादव जो है बोलते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अगर आप देखिए तो शिवपाल यादव का पहले राम मंदिर को लेकर जो बयान आया था, ट्वीट आया था, उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद अब इस तरह का जो बयान जो समान नागरिकता को लेकर जो उनका बयान है उसके सीधे तौर पर जो मायने हैं उसके स्पष्ट हैं कि शिवपाल यादव अब कभी भी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है या बीजेपी खेमे की तरफ पूरी तरह से आ सकते हैं। तो ये अब बहुत स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए बयानों को लेकर जब शिवपाल यादव से जब हमने बात किया था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो एक साथ अगर चले जाएंगे तो इससे पार्टी के नेताओं को या पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको उस विचारधारा में लाने में बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे में धीरे धीरे उस विचारधारा में जाने की ज़रूरत है और अब जो तमाम बयान आ रहे हैं उसको इसी कड़ी में देखे जा सकते हैं। अगर आप देखिए तो जिस तरह से पहले बयान आया राम मंदिर को लेकर, उसके बाद अब बयान आया समान नागरिकता को लेकर, तो ये एक सीधे तौर पर कह सकता है कि जो बीजेपी माइंडेड जो पार्टीज होती हैं या जो लोग होते हैं उनके इस तरह के बयान होते हैं और शायद शिवपाल यादव भी अब उसी राह पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये आप देखिए तो उसी विचारधारा की तरफ रुख करते हुए शिवपाल यादव का और ये बयान विशाल, ये बयान पीएसपीएल को तो खुश कर सकते हैं, बीजेपी को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रुख होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि हमने देखा जब राम मंदिर को लेकर जब दर्शन करने के लिए वो पहुंचे थे तभी रुख अलग था समाजवादी पार्टी का। हालांकि अखिलेश यादव तो ये कह चुके हैं कि अच्छा ही है, परिवारवाद खत्म होगा जो आरोप बीजेपी लगाती थी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ये अब समझ चुकी है कि शिवपाल यादव अब उनके साथ नहीं है और आने वाले दिनों में वो बीजेपी के साथ हैं, ये भी बहुत स्पष्ट हो गया है। ये भी बहुत क्लियर कट है कि अब अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि शिवपाल यादव अब उनके गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे हैं और ये इसी वजह से अखिलेश यादव के बयान के बाद अब ये जो बयान आया है शिवपाल यादव का ये बहुत साफ हो गया है कि अब जो तमाम जो दूरियों की जो चर्चाएं थी वो चर्चाएं अब असलियत बदल चुकी हैं, दूरी हो चुकी है और बीजेपी की तरफ रुख कर चुके हैं शिवपाल यादव। अब वो जिस रूप में आपके पास लौटेंगे, आलोक अवस्थी जी बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गया। आलोक जी, समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए, शिवपाल यादव ने समर्थन दे दिया। देखिए ये इस विचार का तो हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये चर्चा देश में चल रही है कि एक ही देश में अलग अलग तरह के मान्यताओं को परंपराओं को लोग जो है कानून के ऊपर मानने लगे हैं, तो उसमें एक समान नागरिकता अधिकार है उसको अगर चर्चा होती है तो हम तो स्वागत करते हैं, चर्चा में आना चाहिए और शिवपाल जी ने अगर ये बात कही है तो बहुत अच्छी। क्या बीजेपी में भी स्वागत करेंगे शिवपाल यादव का? देखिए इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक शिवपाल जी ने कोई संपर्क नहीं किया है और अगर वो भविष्य में संपर्क करते हैं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो इस विषय में निर्णय लेता है, इसकी समान से प्रक्रिया है। अभी तो शिवपाल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि भाजपा में आना चाहते हैं। आलोक जी, विचारधारा जो उनकी नजर आ रही है वो तो एकदम बीजेपी वाली नजर आ रही है ना, और अखिलेश यादव भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। देखिए विचारधारा हर पार्टी की अलग अलग होती है और कई मुद्दों पर कई पार्टियों की विचारधारा एक समान भी होती है, तो इसको किसी और नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आपको इंतजार करना चाहिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, इसमें जब भी समान विचारधारा के और समान नेताओं की स्वीकृति के आधार पर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं
तो सब चीजों का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि अभी आप कह रहे हैं आलोक जी कि किसी तरह का साइन नहीं दिया है शिवपाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन करने का, लेकिन अचानक से ही वो फॉलो करने लग जाते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं को, अचानक से ही राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, समान नागरिक पर भी अपना समर्थन दे देते हैं, ये आपको साइंस नहीं लग रहे हैं क्या? देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर वो राम मंदिर से दर्शन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी गए तो है नहीं। दूसरी बात, हम सभी नेता बड़े नेता आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो इसको किसी नजर से देखना नहीं चाहिए। अभी ऐसी कोई संभावना या कोई बातचीत नहीं। ठीक है, प्रसपा से अरविंद यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख लेते हैं। अरविंद जी, समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए, शिवपाल यादव ने यह स्पष्ट कर दिया, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। कल हालांकि अंबेडकर जी की जयंती थी, क्षमता मूलक समाज की स्थापना की बात थी। अब कोई तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, बट दल का जो विचार है, दल का कौन तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है अरविंद जी? नहीं, अब कैसे हुआ ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन सच ये है कि बाबा साहब ने जो क्षमता मूलक समाज की बात कही थी उसकी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं क्षमता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। पार्टी का भी और सबका यही मानना है, और किसी का निजी विचार होगा, समान नागरिक संहिता ये दल का विचार नहीं है। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह चुके हैं कि अगर जाते हैं शिवपाल यादव बीजेपी में तो फिर बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं बीजेपी के लिए, परिवारवाद खत्म होगा, ऐसा कोई साइन नजर आ रहा है क्या कि बीजेपी में जा सकते हैं शिवपाल यादव? अब आदरणीय अखिलेश जी अगर खुद ही तय कर चुके हो कि हमें भाजपा से लड़ना ही नहीं है, हमें अपनों से लड़ के खुद ही निपट जाना है, तो मैं उनके नहीं कुछ कह सकता। आदरणीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं और इसे नहीं देना चाहिए किसी बड़े नेता को। ठीक है, भुवन जोशी सपा नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन जी, अरविंद यादव जी जुड़े पीएसपीएल की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हल्का बयान देते हैं अखिलेश यादव, और साथ ही समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए, ये शिवपाल यादव ने कह दिया है, आप क्या कहेंगे? किसने कहा है? शिवपाल यादव की तरफ से समर्थन हो चुका है, समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए, इस पर आपका क्या रुख है? देखिए उनकी अपनी एक पार्टी है, वो जो उनका विचार है उनकी पार्टी का विचार है, समाजवादी पार्टी का अपना एक अलग विचार है। तो आप एकदम अलग हैं और आपको लग रहा है बीजेपी में जा सकते हैं शिवपाल यादव, ऐसी कोई आशंका नजर आ रही है साइन? देखिए हम जब तक वो कहीं जाते नहीं आते नहीं तब तक कोई प्रतिक्रिया देना जल्दीबाजी होगी, और हम इतना कहना चाहते हैं उनकी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रसपा का ये अपना विचार है, अपने उनके राजनीतिक दल का अपना विचार है। लेकिन समान नागरिक आचार संहिता लागू हो या ना हो इस पर आपका क्या रुख है समाजवादी पार्टी का? देखिए हम तो हमारा बिल्कुल साफ रुख है, हम तो इस देश के कानून और देश के संविधान के हिसाब से चलेंगे, जो देश का कानून कहेगा देश का संविधान कहेगा उसको मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग। ठीक है भुवन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ।